डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि व्हाट का यूज़ क्या है। डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर व्हाट अंग्रेजी में कैसे कैसे यूज़ होता है, इसको आज हम सीखेंगे। आज है हमारा डे 6, लेक्चर 6, और आज हम इसको डिटेल से सीखेंगे। मैं हूं प्रोफेसर अजमल दासियापाल, फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, स्पीकर एंड राइटर। मेरे दोस्तों, व्हाट इज योर एम, आपका एम क्या है। ये हमने जो सेंटेंस बनाया, इसमें आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड है और ये है हेल्पिंग वर्ब। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर हॉबी। जब हम जल्दी से बोलते हैं तब हम व्हाट इज नहीं कहते, क्या बोलते हैं, व्हाट्स योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। व्हाट्स योर फ्यूचर प्लानिंग, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो ये जल्दी से बोलेंगे तो व्हाट और इज मिल जाएगा। अगर इसको हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो ये बनेगा व्हाट योर एम इज ग्रेट। आपका जो भी एम है ग्रेट है। अब यहाँ पे जो भी सेंस है, जो शुरू हो रहा है जिम से, जा से। व्हाट योर नेम इज ब्यूटीफुल, आपका जो भी नाम है अच्छा है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, सेकंड स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक वर्ड को चेंज करके क्या बना सकते हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ, व्हाट आर यू प्लानिंग नाउ, व्हाट आर यू राइटिंग नाउ। एक वर्ड चेंज करेंगे तो सेंटेंस की सेंस बदल जाएगी। यहाँ पे यू की जगह पे दे भी लगा सकते हैं, वी भी लगा सकते हैं। व्हाट आर दे डूइंग नाउ, अब वो क्या कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग नाउ, अब हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और पैटर्न प्रैक्टिस मीन्स एक वर्ड चेंज करें और उसका मतलब बदलता जाएगा। ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना लैंग्वेज आपकी जबान पे फ्लो के साथ आती जाएगी। यहाँ पे अगर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, व्हाट यू आर डूइंग कैन बी हेल्पफुल। ये मेरे दोस्तों बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, व्हाट यू आर डूइंग कैन बी हेल्पफुल, आप जो कर रहे हैं हेल्पफुल हो सकता है। व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं, कैन बी हेल्पफुल, हेल्पफुल हो सकता है। ये इस सेंस में इसको हम लेकर चलते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि आर यहाँ पे था, आप देखते हैं व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो यहाँ पे आर को हम यहाँ से यहाँ पे लेके आए, इसको यानी कि डिसप्लेस किया। व्हाट यू आर डूइंग कैन बी हेल्पफुल, जो आप कर रहे हैं वो हेल्पफुल हो सकता है। इसको आगे लेकर चलते हैं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन यू डू फॉर मी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। ये है सवालिया सेंस, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, कैन हेल्पिंग वर्ब, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। I will do what I can do for you. यहाँ पे आप देखते हैं can यहाँ से यहाँ तक चला गया है। I will do what I can do for you. मैं आपके लिए करूँगा जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो ये sense है मेरे दोस्तों। आगे लेकर चलते हैं, what do you play, तुम क्या खेलते हो। What do you eat, तुम क्या खाते हो। What do you write, तुम क्या लिखते हो। Fine. What do you do, तुम क्या करते हो। अगर हम कहते हैं व्हाट डू यू डू, ये डू हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे डू वर्ब की पहली फॉर्म होगा। तो डू की दो क्वालिटीज हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम करता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे भी काम करता है। ओके, आई नो व्हाट यू प्ले, मैं जानता हूँ जो तुम खेलते हो। मेरे दोस्तों, जब हम क्वेश्चन से सिंपल सेंटेंस की तरफ आते हैं तो डू, डज, डिड वैसे ही गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इनकी जगह यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई नो व्हाट यू प्ले, मुझे पता है आप जो खेलते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, सवालिया नहीं है, ये क्या है, सिंपल सेंस है। व्हाट्स योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर क्या है। व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी, आपकी फेवरेट हॉबी क्या है। फाइन, व्हाट्स योर फेवरेट डिश, आपकी फेवरेट डिश क्या है। तो ये क्वेश्चन वर्ड और ये हेल्पिंग वर्ड। व्हाट की जगह पर अगर आप विच लगाते हैं, विच मखसूस हो जाता है, तीन चार पांच कलर्स में से एक कलर। व्हाट मीन्स हजारों कलर हैं, उनमें से कोई एक कलर। आई नो व्हाट योर फेवरेट कलर इज, मुझे पता है जो आपका फेवरेट कलर है। कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को, आई नो व्हाट योर फेवरेट कलर इज। हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर अगर जुमले के एंड पे आता है तो उस पर जोर देते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्रेस। फाइन दोस्तों, लेक्चर नंबर 6 में हमने ये सीखा
के व्हाट की डिफरेंट डायमेंशंस क्या है। डियर फ्रेंड्स स्पीक विद मी, इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश इज इजी।